हेलो एवरीवन, मैं हूँ पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। देखो, दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि उसे हराया ना जा सके। कोई कितने से भी बड़ी सी बड़ी सुपर पावर क्यों ना रखता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम इसे हरा ना सको। अगर हरा नहीं पा रहे हो तो चाहे तो तुम्हारा तरीका गलत है या फिर तुम कोई गलती कर रहे हो। चाहे तो तुम जस्टिस लीग के मार्शियन मैनहंटर की ही बात कर लो, उसके पास जस्टिस लीग के मेंबर्स से ज्यादा पावर्स हैं और अकेले सब पे भारी पड़ेगा। लेकिन बस अगर उसको आग के पास ले जाओ तो हालत खराब होने लगती है भैया की। यहाँ तक कि धरती के महाबली सुपरमैन भी एक इंसान से मात खा जाएंगे। अगर आप बैटमैन जैसा सोचते हैं तो अपने एवेंजर्स का क्या? ये जरूरी नहीं कि वीकनेस फिजिकली ही हो, मेंटली भी हो सकती है। और इससे कोई मतलब नहीं कि आप एक गॉड लाइक क्रीचर हो। अगर आपने एमसीयू की मूवी करीब से देखी है तो आपको पता ही होगा कि एवेंजर्स की कमजोरियां बहुत अंदर तक घाव देती हैं, क्योंकि आदमी कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में बहक जाता है या फिर अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता या फिर डिवाइड एंड रूल के शिकार में फंस जाता है। तो वीडियो में हम अपने मेन 6 एवेंजर्स की बात करेंगे जिन्होंने इस लेगेसी को खड़ा किया है, जो हैं आयरन मैन, थॉर, स्टीव रॉजर्स, ब्रूस बैनर, ब्लैक विडो और हॉकआई। और मैंने और बाकी एवेंजर्स को क्यों नहीं लिया, लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, ज्यादा लंबाई नहीं खींचेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने हॉकआई से। अब हॉकआई को कह सकते हैं कि ये फिजिकली सबसे वीकेस्ट एवेंजर्स में से आता है, क्योंकि ये एक ह्यूमन है और 21st सेंचुरी में भी एरोस से काम चलाता है। हॉकआई सिर्फ अपने एमो से लिमिटेड है। एंड गेम में हमने देखा है कि क्लिंट बिना एरोस के भी क्या कर सकता है। इसकी एबिलिटीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका निशाना कभी चूका ही नहीं है। 18 राउंड खेले पर मेरा एक भी निशाना कभी चुका ही नहीं। आयरन मैन का, जार्विस, फ्राइडे, यहाँ तक कि विजन का निशाना भी चूक चुका है। लेकिन आपने कभी क्लिंट का निशाना चूकते देखा है? तो इसीलिए हॉकआई सिर्फ अपने एमो से लिमिटेड है, वरना उसके हाथ में सिर्फ एक एरो दे दो तो कितनों की जाने ले लेगा वो। क्लिंट को भी ये बात रियलाइज हुई होगी, तभी तो उसके हाथ में अब स्वॉर्ड भी है। अगली एवेंजर है ब्लैक विडो। अब इसकी वीकनेस के बारे में बात कर लेते हैं। नताशा ये खुद नहीं मानती कि वो माफ करने लायक है, क्योंकि इसने जो इतना सब कुछ बुरा काम किया है समय के साथ, इसके बाद वो अपने आप को माफी नहीं कर पाती। वो अपने आप को दोषी मानती है और एंड गेम में अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है। अब इसी के लिए मैं आपको एक रेफरेंस दूंगा 2012 की द एवेंजर्स मूवी में। इस मूवी में जब नताशा लोकी से इंटरोगेशन करती है तो अपने कुछ राज बताती है कि वे अपने ऊपर से दाग मिटाना चाहती है और शुरू से ही क्लिंट को बचाती आई है, क्योंकि उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी है। और ये बात समय के साथ कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में साबित भी होती रही है। अब नताशा की बात हो ही चुकी है तो अब बैनर साहब की बात कर लेते हैं, जो है हल्क। क्योंकि अब कहने में तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हल्क की वीकनेस हल्क खुद है, क्योंकि वो अनप्रिडिक्टेबल है। बैनर को हम जानते हैं लेकिन हल्क को नहीं। उसकी अपनी एक अलग शख्सियत है। अब अनप्रिडिक्टेबल होने का मतलब हल्क कभी कभी अपने ही लोगों के लिए खतरा बन जाता है। अब जैसे कि 2012 की एवेंजर्स के हेलीकैरियर सीन को ही ले लो, और सबसे बेस्ट एग्जांपल जब एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में स्कारलेट विच बैनर के दिमाग को इन्फ्लुएंस कर हल्क को बाहर ले आती है। चलो फिर भी इन सब बातों को छोड़ो, इन सब में तो हल्क को जगाया गया था, लेकिन रैग्नारॉक का क्या? यहाँ तो हल्क ने खुद डिसाइड किया था कि वो थॉर से लड़ेगा, ये नहीं समझा कि वो उसका दोस्त है। इसीलिए हल्क की सबसे बड़ी वीकनेस उसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। अब अपने अगले एवेंजर और टीम के लीडर स्टीव रॉजर्स की बात करते हैं। इनकी वीकनेस ये है कि ये बहुत अच्छे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा होना वीकनेस कैसे हो सकती है, तो खुद बस एक हफ्ता अच्छा रहने को ट्राई कर लो, पता चल ही जाएगा, दुनिया तुम्हारी औकात तुमको दिखा देगी। अब अपने कैप्टन साहब सबकी गलतियां माफ करते हैं, सबको बदलने के लिए दूसरा मौका देते हैं, लेकिन इसी अच्छाई के कारण इनको कई बार डिसअपॉइंटमेंट झेलनी पड़ती है। अब जैसे कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में कैप्टन सबसे उम्मीद करते हैं कि वो उनका साथ देंगे। उन्होंने अपने सबसे खास दोस्त से लड़ाई की, अपने आप को जोखिम में डाला, अपने दोस्तों को जोखिम में डाला, बस अपने दोस्त बकी को बचाने के वास्ते। वो अभी भी बकी से अच्छाई की उम्मीद करता है और निक फ्यूरी पे भरोसा ही नहीं करता हाइड्रा और शील्ड के बवाल के चलते। कैप्टन ने धोखा खाया है लेकिन कभी किसी को धोखा दिया नहीं। अब अपने अगले एवेंजर थॉर के बारे में जान लेते हैं कि इनकी वीकनेस क्या है। जब थॉर हारता है तो वो अंदर तक हारा हुआ महसूस करता है। अब जैसे कि इसका सबसे पहला रेफरेंस आपको एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में देखने को मिल सकता है। जब एवेंजर्स थैनोस को रोकने में नाकामयाब रहे, तब से थॉर अपने आप को दोषी मानता है। थैनोस को मारने के बाद भी, हाँ मारा तो उसी ने था, लेकिन वो कोई लड़ाई नहीं थी। वो जान गया था कि वो हार गया है, लेकिन और कोई तरीका खोजने के बदले वो उसी गम के साथ जीने लगा। अरे थॉर तो इंटरगैलेक्टिक बीइंग है यार, स्पेस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीका तो होता ही सब ठीक करने का। इन्फिनिटी स्टोन सी एकमात्र जरिया नहीं है सब कुछ ठीक करने के लिए। लेकिन जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर ही लेते हैं कि मैं हार गया हूँ, तो भले ही आप कमरे में सबसे पावरफुल बीइंग क्यों ना हो, आपको कौन बचाएगा।
अब अपने लास्ट एवेंजर आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी वीकनेस ये है कि ये सारा जिम्मा अपने कंधों पे ले लेते हैं, मतलब दुनिया को बचाने के लिए भी सोचेंगे यही, काम भी यही करेंगे और अंत में जब कुर्बानी देने का मौका आएगा ये भी वही देंगे। 2012 की ये एवेंजर्स से टोनी दुनिया को बचाने का जिम्मा उठाते आए हैं। जब से उन्होंने मैनहट्टन के पोर्टल से एलियन आते देखे तब से वो अर्थ को बचाना चाहते थे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी अकेले की नहीं है, लेकिन ये सबसे हार्डवर्किंग बंदा है। भले ही एज ऑफ अल्ट्रॉन में धरती का कवच बनाते बनाते एक विलेन या सरोबो बन जाता है, लेकिन एटलीस्ट खाली हाथ बैठे रहने से अच्छा कोई कोशिश तो कर रहा है। तो भाई लोग, एवेंजर्स की वीकनेस यहीं तक। देखो, जस्टिफाई करने के लिए मैं और भी लंबा चौड़ा भाषण दे सकता था, लेकिन एट द एंड डिसीजन आपको ही लेना है कि आप क्या सोचते हैं। अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो कमेंट में उसके बारे में बताएं, और अगर आपको इन एवेंजर्स के बारे में और कोई वीकनेस पता है तो जानकारी दो ना। और मैंने और बाकी सारे एवेंजर्स को क्यों नहीं लिया, अरे आगे के लिए भी कुछ सस्पेंस होना चाहिए कि 20 मिनट की वीडियो एक साथ बना दूं। तो फिलहाल ये पार्ट 1 है, जैसा इसका रिस्पांस रहेगा और भी एवेंजर्स आएंगे। और अगर आपको इस वीडियो में देखो कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया तो लाइक मारो इस वीडियो को। इस चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब मारो इस चैनल को, और ज्यादा अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों से भी शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और देखते रहो पीजे एक्सप्लेन।